कालिदास ठाकुर का महाप्रयाण। और वैसे तो हरिदास ठाकुर की अनेकों अनेक लीला है। ब्राह्मण भोज के जब अद्वैत आचार्य थे, अद्वैत आचार्य जो थे तो वो हर उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया, कुछ ब्राह्मणों को बुलाया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये किसको बुला लिया, हम जैसे पतित हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं, वो जो सबको पतित पावन करने वाले हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं, ऐसे हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं, इनको क्यों बुला लिया, बुला लिया। अद्वैत आचार्य कहते हैं कि आप प्रसाद पाइए हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर कहते हैं पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए, उसके अंत में मैं प्रसाद खाऊंगा। तो हरिदास ठाकुर जो है वैसे कहा, अद्वैत आचार्य ने कहा नहीं नहीं आप सबसे पहले प्रथम भोजन कीजिए, क्योंकि यदि आपको भोजन करवा देंगे तो जितना करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों ब्राह्मणों को भोजन करवाने से फल प्राप्त होता है, उतना ही केवल। इसलिए यदि हमें भाव लेकर आना है तो किसकी तरह, अद्वैत आचार्य की तरह। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर तो मिलिच परिवार में हुए थे, केवल क्या करते थे, पढ़े तीन लाख जब भगवान का नाम संकीर्तन करते। अद्वैत आचार्य हैं, ऐसे जब हम भाव लेकर आएंगे, ऐसे जब ब्राह्मणों को भोज करवाएंगे, जो एकदम शुद्ध ब्राह्मण ब्राह्मण है, वैष्णवगण है, उनको हम भोज। हरे कृष्ण। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरावा श्री मूर्ति रसदाय सेवन, मथुरावा श्री मूर्ति रसदाय सेवन, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। चेतन चेतावृत हमें बता रही है कि हमें कौन से पांच कर्म करने चाहिए, साधुओं का संग करना। पहला, साधुओं का संग करना चाहिए, वैष्णव गणों का संग करना चाहिए। साधु संग नाम कीर्तन। दूसरा कार्य हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। नाम कीर्तन भागवत श्रवण। यदि हमने जन्म लिया है तो अपने जो हमारा जीवन है उसमें एक भागवत तो भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्ति रहा, और हमें मथुरा वृंदावन में वास करना चाहिए। जो प्रभु जी हमारे करी रहे हैं, हरि बोल जय हो वृंदावन। मथुरावास श्री मूर्ति रस श्रद्धा या सेवन, तो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे जब प्रभु जी की तरह हमारे अंदर लक्षण आएंगे कि हम ये पांचों कार्य जब ये कर पाए तब हम वैष्णव बन पाएंगे, तब हमें भगवान के भक्त बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि बताते हैं गोपी भरतुर पद कमलियो दास दासान दासा। यदि हमें भगवान का भक्त बनना है ये पांच कार्य तो करने ही करने हैं, पर कैसे करने हैं, दासों के दासों के दास का दास का सबका सर्वेंट बनकर रहना है। बोल हरि बोल हरि बोल। भागवतम तो हमें बता रही है, भाव लेकर आना के 22वें श्लोक में बता रहे हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयोत्सव जायते तथा पुरुष बादेवेशे नस्तस्तुम नो यथा प्रभु। भवे 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 अर्थात जन्म जन्मांतर तक, भवे भवे यथा भक्ति, यथा अर्थात आपकी भक्ति अर्थात भक्ति में मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति में लगा रहा हूँ। भवे भवे यथा भक्ति पादयोत्सव जायते, पर आपकी चरणों की सेवा में आप
जाए थे तथा कृष्ण देव से नाम पर कम न हो सकते क्यों मैं आपके चरण पदार बिंदु में लगा रहा हूँ जिसके द्वारा मैं आप आ सकूँ आपकी भक्ति कर सकूँ और आपके ध्यान तक हरे वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कब हमारा ऐसा मन आएगा जैसे हमारी लालसी मई प्रार्थना है क्या बताते उस पे गौरंग बोली थे अबे पुला कसरीरा गौरंग बोली थे अबे पुला कसरीरा हरी हरी बोले करे हरे वो कब आएगा कब है शुद्ध हवे मन विषय छाड़िया जग में हवे मन कब हमारा मन इस जग से निकलेगा और कब हमारा मन शुद्ध होकर भगवान के धाम जाएगा हरे वो हरे कृष्ण।